कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में सई अपने बैग में अपनी बुक्स रखती है क्योंकि आज है उसके कॉलेज में उसका टेस्ट और इसके लिए वो दौड़ती हुई ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है और कहती है कि उषा मासी जल्दी से मुझे नाश्ता दे दीजिए, आज मेरा टेस्ट है। तभी वहाँ पर भवानी काकू सई की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि जब तक तुम घर के सारे काम नहीं कर लेती हो तुम कहीं नहीं जाओगे, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। सई कहती है कि आज मेरा टेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ काकू, आप प्लीज़ मुझे अब और तंग मत कीजिए। और जैसे ही उषा मासी प्लेट लेकर के आती हैं, सई के हाथ में थमाती है और सई ब्रेकफास्ट करने ही वाली होती है, काकू उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट छीन लेती हैं और ये देखते हुए सई कहती है कि आप प्लीज़ प्लेट छोड़ दीजिए ना। तो काकू कहती है कि नहीं, पहले तुझे सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुझे नाश्ता मिलेगा। ये कहते हुए जद्दोजहद होती है और नाश्ते की प्लेट भवानी काकू छीनते हुए ज़मीन पर गिरा देती है और सई को नाश्ता नहीं करने देती। ये देखकर घर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और भवानी काकू अलर्ट कर देती हैं कि जब तक तू घर का काम नहीं करती है तुझे ना तो नाश्ता मिलेगा और ना ही तू कॉलेज जाएगी। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाश्ते से काकू ने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। लेकिन अब जब एक हो चुके हैं सई के खिलाफ पाखी, भवानी काकू, करिश्मा, सोनाली, तो अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब विराट को घर वालों की हरकत का पता चलेगा कि कैसे वो सई को टॉर्चर कर रहे हैं, उसे भूखा रखते हैं, उसको अननेसेसरी भड़काते हैं, तब क्या एक्शन लेगा विराट अपने घर वालों के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। Okay.